इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के लिए शहर के बाजारों में आने जाने नगर पालिका निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महापौर विक्रम अहके ने बताया कि दीपावली के त्यौहार में निगम के द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा निःशुल्क जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए लगाया गया है। निर्धारित रूट में ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा लोगों को लाना ले जाना करेंगे। कांग्रेस परिवार ने निर्णय लिया है कि कल पूरे शहर में दीपावली के उपलक्ष्य पर इलेक्ट्रिक वाहन निःशुल्क सेवा छिंदवाड़ा के रहवासियों के लिए दी जा रही है। इलेक्ट्रिक सेवा का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि हमारा शहर स्वच्छ भी रहे और लोगों को सुविधा भी मिले। तो मैं शहरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया था, उसी आशीर्वाद के चलते कल ये ऑटो का निःशुल्क आप लोग सेवा का उपयोग कीजिए और त्यौहारों को खुशी खुशी मनाइए। मंगलवार को पड़ रहे सूर्य ग्रहण को लेकर जाम सावली के प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर और मोहगांव के अर्धनारेश्वर मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, जिसको लेकर श्रद्धालु भक्त बजरंगबली और भगवान शिव के दर्शन दीपावली त्योहार के दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे। यहां पूजा पाठ भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। दरअसल मंगलवार को शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर पहले ही सूतक लग जाएगा, जिसको देखते हुए यह निर्णय मंदिर समिति के द्वारा लिया गया है। इस तरह से अर्धनारेश्वर मंदिर में भी शाम को शयन आरती के बाद यहां कपाट बंद हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के युवा सांसद नकुलनाथ की ओर से शहर की गरीब बस्तियों में मिष्ठान का वितरण किया गया। साथ ही नेता द्वे की ओर से सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके कुशल व समृद्ध जीवन की कामना ईश्वर से की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार आज कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने अपनों के बीच पहुंचकर दीपावली की खुशियां बांटी। मुंह मीठा करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नेता द्वे की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान के पैकेट भेंट करते हुए उनके जीवन में हमेशा सुख शांति व समृद्धि बने रहे, ऐसी ईश्वर से कामना की। मिष्ठान वितरण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, नगर पालिका निगम महापौर विक्रम अहके, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष सोनू मागो सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दीपावली के पावन पर्व पर गरीब परिवारों को मिष्ठान का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे महापौर विक्रम अहके जी, नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मांगो जी, यहाँ के पार्षद हमारी शिवानी जी सहित महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी जी और यहाँ उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस और नगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण पंकज शुक्ला सहित उपस्थित हैं। मैं पूरे नगरवासियों को विशेष गरीबों से कहना चाहूँगा कि आपके लिए माननीय कमलनाथ जी ने मिठाई भेजी है, आप सब खुशी के साथ दिवाली मनाएं। दीपावली के दीपों का उजियारा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर आपके जीवन को जगमग करे। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारे छिंदवाड़ा में हर परिवार सुख शांति समृद्धि व वैभव से परिपूर्ण हो। जिले के सांसद नकुलनाथ व उनकी धर्मपत्नी प्रियानाथ ने एक शुभकामना संदेश के माध्यम से उक्त उद्गार व्यक्त करते हुए संपूर्ण जिले वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। प्रिया नकुलनाथ ने दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर अपने समस्त परिवारों के नन्हे मुन्नों को शुभाशीष दिए। अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने संपूर्ण प्रदेश व देशवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। जिले की प्रतिष्ठित अक्षत होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में टू व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एवं लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए के उपहार होंडा टू व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। आप भी दीपावली में अक्षत होंडा से होंडा टू व्हीलर वाहन की खरीदी कर सकते हैं। रविवार को होंडा टू व्हीलर खरीदने पर छिंदवाड़ा निवासी दिलीप यादव को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का उपहार में मिला है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति परंपरा और हमारे गौरव से जुड़ा पर्व है। दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व है, सभी के जीवन में प्रकाश आए, सभी को महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। इस पर्व पर हम मिलकर अपने जिले, प्रदेश और देश की समृद्धि, सद्भाव एवं शांति की कामना करते हैं। साथ ही जिले के सभी नागरिकों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं। ग्राम दरड़िया और भानादेई और छिंदवाड़े के काराबो में आज मैं सभी के बीच में जाकर के लोगों से मिल रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। और प्रतिवर्ष अनुसार मेरा कई वर्षों से परंपरा है,
कि यहाँ पर आकर के जनजाति भाइयों के बीच में आकर के दीपावली की खुशियाँ बांटना, उनके साथ मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, यह मैं काम करता हूँ और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बीते दिन सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 के बाद नव निर्मित 4,50,000 से अधिक आवासों का राज्य स्तरीय गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा जिले में 1 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक नव निर्मित लगभग 6,796 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ ही प्रतीक स्वरूप जिले की 759 ग्राम पंचायतों में गृह प्रवेश कराया गया। प्रवेश कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल की वर्चुअल उपस्थिति में जमुनिया में संपन्न किया गया। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, अपर कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत दीपावली के अवसर पर कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में अनाथ बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू मौजूद थे। दीपावली के पावन पर्व पे हमने अपने सभी जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद के बच्चे हैं और पीएम केयर के हमारे जो चिन्हांकित बच्चे हैं और इसके अलावा जो कोविड काल में हमारे बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं, उन सभी बच्चों के साथ आज हमने दीपोत्सव मनाया जिला स्तर पे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी एक दीपोत्सव कार्यक्रम जो भोपाल में अपने किया गया, उसका इनको सीधा प्रसारण भी दिखाया बच्चों को। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनको प्रदेश की सरकार ने गोद लिया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इन बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, इन बच्चों की चिंता उन्हें हमेशा रहती है और इन बच्चों का ख्याल वो हमेशा रखते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आदेश किया कि ऐसे सभी बच्चों को बुला करके उनका सम्मान किया जाए, उनके साथ दीपावली पर्व की खुशियाँ बांटी जाए, उन्हें मीठा खिलाया जाए एवं उनके कोई परेशानी समस्या तो नहीं है इसके बारे में उनसे चर्चा की जाए। इसी के तहत आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खजरी रोड टीवी सेंटोरियम में बन रहे आरओबी रेलवे ब्रिज का महापौर विक्रम अहके और निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर विक्रम अहके ने बताया कि जल्द ही इस ब्रिज का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के द्वारा किया जाएगा। 5 सालों से ये यहाँ पर काम चल रहा था जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था और समय समय पर हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और इसका जो फंड था वो भी उन्होंने बोल करके इसमें रिलीज करवाया है और हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इसमें कोई गुणवत्ताहीन कार्य ना हो और जनता यहाँ से 5 सालों से परेशान थी जो कि अब नहीं होना पड़ेगा उन्हें बहुत जल्दी हम आने वाले समय में इसका लोकार्पण आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के माध्यम से करवाएंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद के अनुसार जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा स्थित आयुष विंग में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े के मार्गदर्शन में आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन हवन कर उनका अवतरण दिवस 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। पूजन के बाद लगभग 65 वृद्धजनों को आयुष रक्षा किट का वितरण भी किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर भदाड़े ने बताया कि कार्यक्रम में वृद्धजनों को आयुर्वेद के नवरत्न, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आसपास पाई जाने वाली औषधि, पौधों, रसोई में पाई जाने वाली औषधियों, आसन, प्राणायाम, योग, मानसिक और वृद्धजनों व बच्चों के लिए आयुर्वेद के संबंध में जानकारी दी गई।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिले में निवासरत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के उद्देश्य से जिले में आयोजित दिव्यांगजन चिन्हांकन शिविरों की श्रृंखला में गत दिवस जिले के विकासखंड पांडुना की जनपद पंचायत पांडुना और नगर पालिका पांडुना के हितग्राहियों के लिए कृषि उपज मंडी प्रांगण में अंतिम दिव्यांगजन चिन्हांकन शिविर सम्पन्न हुआ। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी पंचलाल चंद्रवंशी ने बताया कि जनपद पंचायत पांडुना और नगर पालिका पांडुना के हितग्राहियों के लिए आयोजित शिविर में ट्राईसाइकिल के लिए 27, व्हील चेयर के लिए 30, वेसाखी के लिए 11, श्रवण यंत्र के लिए 13, कृत्रिम अंग व उपकरण के लिए 2, एडीएल किट के लिए 14, स्मार्टफोन के लिए 8, स्मार्ट केन के लिए 2, कैलिपर्स के लिए 1 और मोटराइज ट्राइसिकल के लिए 3 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया है। साथ ही मेडिकल बोर्ड के माध्यम से 93 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए और 10 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र को पुनः प्रमाणित किया गया।